अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाजिर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस से ब्रेड के मीठे की रेसिपी, जो कि झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। इसको राजस्थानी मीठा भी कहते हैं, एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं रेसिपी के। यहाँ पर मैंने 4 स्लाइसिस ब्रेड लिए हैं, आधा किलो दूध लिया है, यहाँ पर फ्रेश क्रीम मिल्क अभी कच्चा है, आधा कप हम यहाँ पर चीनी यूज़ करेंगे, 2 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है, और हसब ज़रूरत हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट यूज़ करेंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जी हमारी रेसिपी के। सबसे पहले हम ब्रेड को कट कर लेते हैं। ब्रेड को मैं इस तरह से कटिंग करूँगी कि तमाम साइज़ एक बराबर हों। आप अपने शेप के हिसाब से भी कट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। यहाँ पर आप बासी ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, 1 से 2 दिन पुरानी, और यहाँ पर ये मैं फ्रेश ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से तमाम ब्रेड को मैं कट कर लूँगी। देखें जी हमारी तमाम ब्रेड कट हो चुकी है, और दूसरी तरफ मैं जी इनको शैलो फ्राई कर लूँगी। अगर आपको कम कुकिंग ऑयल यूज़ करना हो तो आप इसको ड्राई फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आंच बहुत धीमी रखिएगा। इस तरह से तमाम ब्रेड मैं फ्राई कर लूँगी साइड चेंज करते हुए, तब तक जब तक इसका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। कलर पर बड़ा डिपेंड करता है इस मीठे का, कलर बहुत प्यारा सा आना चाहिए इसका, और बहुत धीमी आँच पर इसका मैंने कलर चेंज किया था। बहुत ईजी रेसिपी है, अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो ये वाली रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये 15 मिनट में ही रेसिपी तैयार होकर हो जाती है, और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखिए जिस तरह से मेरे तमाम ब्रेड स्लाइसेस लाइट ब्राउन हो चुके हैं, कितना बेहतरीन माशाल्लाह से कलर आया है जी इनका, और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होंगे। कलर देखें जी इनका माशाल्लाह से। तमाम ब्रेड स्लाइसेस को इस तरह से मैं निकाल लूँगी, और तमाम ब्रेड का जो दूसरी ब्रेड है उसको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी हमारी तमाम ब्रेड तैयार है। दूसरी तरफ जी मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं कच्चा दूध शामिल कर लूँगी, जो कि फुल क्रीम मिल्क था, आप डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और हम बॉयल कर लेंगे। ब्रेड्स हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, और यहाँ पे जो मैंने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया था, मैं यहाँ पे मैंगो कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, पनेला और कस्टर्ड में ये ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आधा कप दूध शामिल किया, और अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है, और देखें जी हमारे दूध को बॉयल आ चुका है। इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप चीनी, आप अपने हसब ज़रूरत भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। 1 से 2 मिनट पकाएंगे चीनी शामिल करने के बाद, ताकि अच्छी तरह से चीनी इसमें मेल्ट हो जाए, और थोड़ा थोड़ा सा कस्टर्ड जो कि हमने दूध में मिक्स करके रखा है वो शामिल करते जाएंगे, और इसको चम्मच चलाते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना इसमें बन जाए। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है, और देखें जी तमाम कस्टर्ड इसमें मैंने शामिल कर दिया है, और तकरीबन अब मैं तमाम कस्टर्ड शामिल करने के बाद इस कस्टर्ड को तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाऊंगी, ताकि जो इसमें हमने कस्टर्ड शामिल किया है उसका कच्चापन बिल्कुल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए, और इसकी थिकनेस भी बहुत अच्छी सी आ जाए। ये देखें जी बेहतरीन सा कलर आ चुका है हमारे कस्टर्ड का। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं कस्टर्ड को पकते हुए, और मुस्तकिल मैंने इसमें चम्मच चलाया। थिकनेस देख लें जी इस तरह से रखनी है, क्योंकि जब हम इसको ब्रेड के साथ सर्व करेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। चलिए जी सर्व करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले कस्टर्ड पाउडर कस्टर्ड शामिल किया है ट्रे में, और इसमें हम यहाँ पे इस तरह से ब्रेड स्लाइसेस लगा देंगे। तमाम ब्रेड्स को कस्टर्ड में डिप नहीं कीजिएगा फ़ौरन से, कुछ क्रंच ऊपर ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे थोड़ा सा, ताकि क्रंच बाकी रहे इसमें। जिस तरह से जब हम सर्व करेंगे मेहमानों को और वो खाएंगे, तो कुछ ब्रेड का स्लाइसिस सॉफ्ट हो चुके होंगे और कुछ क्रंच बाकी रहेगा, जिसकी वजह से ये बहुत ही खाने में डिलीशियस सा रखेगा। इस तरह से तमाम मैंने ब्रेड को अरेंज कर लिया, और इसके ऊपर मज़ीद कस्टर्ड हम शामिल कर देंगे। गार्निश करेंगे जी ड्राई फ्रूट से, आप अपने हिसाब से भी गार्निश कर सकते हैं, जिस तरह से आपने सर्व करना हो। और देखें जी कलर देखें, माशाल्लाह से लुक देखें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँ। ये तमाम प्रोसेस फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, और साथ ही मैंने यहाँ पर चांदी के वर्क अप्लाई कर दी हैं। बहुत ही ईजी सा मीठा है, लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। एक बार लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।